हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो नागपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में गाइस काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को भी पता रहना चाहिए। जो आर्टिकल है गाइस, ये डिसीजन के ऊपर एक आर्टिकल है कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने MKCL को टेंडर दिया, उसके ऊपर हमें जो एक आर्टिकल है वो देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर पहले से भी काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है गाइस वो आ रहे थे, बट ये आर्टिकल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली इससे स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के ऊपर जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो मेन हेडलाइन है वो आप देख सकते हो, नागपुर यूनिवर्सिटी मूव टू रोप इन MKCL विदाउट टेंडरिंग अंडर स्कैनर। फिर यहाँ पे लिखा है, इवन आफ्टर स्टिप अपोजिशन फ्रॉम स्टैचुरी बॉडी मेंबर्स, नागपुर यूनिवर्सिटी हैज गॉन अहेड एंड अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड MKCL। नागपुर यूनिवर्सिटी हैज़ अवॉर्डेड द फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन वर्क टू पुणे बेस्ड कंपनी एज रिपोर्टेड बाय TOI ऑन October 27। हाउएवर द एंटायर डील विद द कंपनी हैज़ कम अंडर द स्कैनर आफ्टर मेंबर्स क्वेश्चन नागपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय वाइस चांसलर सुभाष चौधरी अबाउट द डील। तो जो नागपुर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स ही है वही अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। They have asked how the work was allotted to a blacklisted company that टू विदाउट फ्लोटिंग एनी टेंडर। तो ये कंपनी के ऊपर और भी डिटेल में आर्टिकल आया था 27 नवंबर का, आप जो आर्टिकल और उसके पहले भी कुछ आर्टिकल्स है वो पढ़ सकते हो, उसमें आपको कंपनी के बारे में सारी जो चीज़ें वगैरह वो बताई गई थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और इस कंपनी ने पहले भी नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ वर्क किया है, जिसमें जो सर्विसेज चाहिए थी नागपुर यूनिवर्सिटी को वो नहीं मिली थी, जिसकी वजह से जो टेंडर है वो कैंसिल किया था। फिर यहाँ पे लिखा है, अक्यूजिंग VC एंड टीम ऑफ नॉट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, द मेंबर्स हैव डिसाइडेड टू स्ट्रांगली अपोज द मूव टू रोप इन MKCL विदाउट कंसल्टिंग स्टैचुरी बॉडीज लाइक अकेडमिक काउंसिल, सीनेट एंड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूएशन BOE। दे वॉन्ट दैट दे वुड कॉर्नर द VC ओवर सच यूनिलैटरल डिसीजंस एंड ऑल्सो लॉज अ कंप्लेंट विद चांसलर भगत सिंह कोशियार, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत एंड हायर एजुकेशन डायरेक्टर धनराज माने इन दिस रिगार्ड। सीनेट मेंबर मोहन बाजपाई, हु वॉज अपोजिंग MKCL राइट फ्रॉम 2009, सेट दे वेर शॉक टू हियर द न्यूज़ दैट यूनिवर्सिटी इज री इंट्रोड्यूसिंग अ कंपनी दैट हैड मिजरेबली फेल्ड टू प्रोवाइड एनी ऑफ द ई सर्विसेज प्रॉमिस्ड। तो ये ऐसी कंपनी है जो ई सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी को, जो कि स्टूडेंट्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का ही इसमें फ़ायदा नुकसान है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें यह भी लिखा है, डिस्पाइट चार्जिंग ₹50 फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, How can they rope in the company on an old agreement of 2011-12 after it was outstated on account of its extremely poor performance? Moreover, no tender was floated before awarding the contract, and what was urgency to bring MKCL at this stage? Obviously, the VC is under some political pressure, else there is no other reason behind his move, he said. Endorsing his stand, another Senate member Praveen Udapure said, inclusion of blacklisted company puts a big question mark on the VC's move. Ideally, Nagpur University should floated nationwide tenders before awarding the sensitive work of examination, as the further of lakhs of students is directly associated with it. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि students भी इससे directly एसोसिएटेड है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी रहेगी, अगर सर्विसेज अच्छी रहेगी तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, अगर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो फिर स्टूडेंट्स का ही लॉस होगा। फिर यहाँ पे लिखा है, द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो केप स्टैचुरी मेंबर्स इन द डार्क बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू MKCL, वी विल स्ट्रांगली रेज द इशू ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीनेट मीटिंग स्केड्यूल्ड आफ्टर दिवाली ऑन November 11 or 12, ही टोल टू टू यो है। तो जो 11 या फिर 12 तारीख को सीनेट मेंबर की मीटिंग हो सकती है, उस मीटिंग में इस डिसीजन के ऊपर काफ़ी सारी जो बातें वो होने वाली है, और देखते हैं इसके ऊपर फिर हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। उसके ऊपर अगर आर्टिकल आता है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन गाइस मैं आपको जरूर से शेयर कर दूंगा। फिर बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, अगर आपको ये पढ़ना है तो जो आर्टिकल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप डिटेल में ये जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हो। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ गाइस क्योंकि ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कम वीडियोज़ बनाए जाते हैं, प्लस ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चलती है, बट यही मेन डिसीजन होते हैं जिसके वजह से आगे जाके हमारा जो लॉस या फिर फ़ायदा होने के जो चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है, अगर अच्छी कंपनी को टेंडर मिलता है, अगर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड होती है तो आगे जाके स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा होगा, अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होते, अगर टेंडर सही से नहीं मिलता है अच्छी कंपनी को, तो फिर आगे जाके स्टूडेंट्स का इसमें लॉस होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिसीजन के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारी जो बातें हैं वो चल रही है, अब देखते हैं इसके ऊपर फाइनल डिसीजन क्या आता है और हमें क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट सीनेट मेंबर के ऊपर, सीनेट मेंबर की जब मीटिंग होगी तो हमें
और कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे इसके ऊपर। तो जैसे ही इसके ऊपर और कोई हमें अपडेट देखने को मिलता है थ्रू आर्टिकल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी और आपको भी पता चलता रहेगा कि नागपुर यूनिवर्सिटी में क्या सारी जो चीज़ है वो चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। गाइस होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहें।